हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों के कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने अरबी के पत्तों को धोकर अच्छे से और उनको बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए, ये तकरीबन 6 पत्ते हैं। और इसके लिए ग्रेवी के लिए मैं मसाला रेडी करूँगी, तो उसके लिए मैंने 3 प्याज ये छील कर रेडी कर लिए हैं, 3 टमाटर ले रही हूँ, 1 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन के कलियाँ और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले मैं इसको काट कर इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी बनाकर। ये मैंने मसाला पीस कर रेडी कर लिया है, इसे मैं साइड में रख दूँगी। और सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी करूँगी, तो उसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा कप बेसन। इसमें मैं ये जो अरबी के पत्ते हैं इनको काट कर रखा हुआ है मैंने, इनको डाल लूँगी। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी जीरा, उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही कम हल्दी ली है। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें हमें डालनी है थोड़ी हींग, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। ये देखिए, मैंने पत्तों पर अच्छे से बेसन को कोट कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि बहुत ज़्यादा ये एकदम पानी पानी नहीं होना चाहिए। और अच्छे से इसको थोड़ा गूंथ लेंगे हम। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ हुआ है इसमें, तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी इसमें यूज़ हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, ताकि जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। ये अच्छे से चिकना भी हो गया। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स तोड़कर हाथों में और गोल गोल कर लूँगी इसको अच्छे से। इसे बनाने से पहले हमेशा अपने हाथ को धो लें, ताकि ये ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं फिर। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी बॉल्स तैयार कर लूँगी। इससे हमारा घी भी गर्म हो जाएगा और बॉल्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे। ये सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं, ये जो कोफ्ते हैं एकदम रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इन बॉल्स को ऑयल में डाल दूंगी और इनको डीप फ्राई करूंगी पलट पलट कर। ये बॉल्स मैंने डाल दिए हैं इसमें और इनको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे पलट पलट कर। ये हमारे कोफ्ता बॉल्स एकदम रेडी हो गए हैं। ये देखिए, एकदम बहुत ही गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ गया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे। इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ये कढ़ाई में ऑयल मैंने लगा दिया है, 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, और इसे मैंने गैस कम कर दी है। तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी हींग, थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी, और इसके बाद मैं ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है उसे ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी कोरिएंडर पाउडर आधा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच से बहुत कम लिया है मैंने, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने जो कोफ्ता बॉल्स हैं उसमें भी डाला हुआ है तो इसलिए हम कम ही लेंगे ताकि ज़्यादा ना हो। और डालूंगी हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 1 मिनट से ऐसे ही चलाते हुए भूनूंगी।
तकरीबन 1 मिनट हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तकरीबन 3 मिनट इसे कम आंच पर, धीमी आंच पर पकने दूंगी, ताकि बिल्कुल मसाले जो है हमारे कच्चे ना रहे, बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, तकरीबन 3.5 से 4 मिनट इस मसाले को भुनने में लगा है टाइम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी में डालूंगी 1 गिलास और इसे अच्छे से हम तकरीबन 1 मिनट पका लेंगे तेज आंच पे, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है तो मैं इसमें कोफ्ता बॉल्स ऐड कर दूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसके साथ इनको पकाऊंगी अच्छे से ग्रेवी को। दो से तीन मिनट मैं ढककर इनको पका लूंगी। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है, ये ग्रेवी में अच्छे से कोफ्ते जो हमारे पक गए हैं, और अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इन्हें निकाल लूंगी सर्विंग बाउल में। तो ये कोफ्ते एकदम रेडी हैं और हम इनमें थोड़ा सा इनको करेंगे गार्निश हरे धनिए से, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा देता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये अरबी के पत्तों के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं और हम रोटी से, चावल के साथ, पूरी से इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।